ओके वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया क्या करो यार, मेरे को 600 फॉलोअर चाहिए। जाओ मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो, बस 60 फॉलोअर और चाहिए, 60 फॉलोअर और चाहिए, मैं 600 पे पहुंच जाऊंगा। तो जाओ वीडियो स्टार्ट करो, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मैं वीडियो ही नहीं स्टार्ट करूंगा। ये फॉलो किए, हाँ चलो ठीक है, कर लिया, अच्छे बच्चे हो तुम। तो जाओ वीडियो देखो और बताओ कैसा लगा मेरे को वीडियो। गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते का ब्रेक के बाद मैं कोई वीडियो नया स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लास्ट वीडियो था वो एक हफ्ते पहले मैंने शूट कर चुका था, उसको रिलीज मैंने लेट से किया था। तो बेसिकली आज 2 जुलाई है, हम लोग जुलाई एंट्री कर चुके हैं। भाई सब 6 महीने साल का कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं घर आए हुए, मैं मार्च में घर आया था, मार्च के लास्ट में, अप्रैल जून जुलाई सॉरी अप्रैल मई जून पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, ये 3 महीने कब निकल गए मेरे को पता भी नहीं चला। अप्रैल में मैं पूरा अप्रैल घर ही में रहा था, हाँ मई में मैं गया था बनारस अयोध्या, ये सब तो थोड़ा मोड़ा हो गया। उसके बाद अभी जून में देवघर गया था, बस एक ही दिन के लिए गया था, लेकिन हाँ ठीक है थोड़े दिन के तो बाहर गया। तो भाई इतना तेज़ी से टाइम जा रहा, अब मैं देख रहा हूँ कि 2 ही महीने हैं मेरे को घर में रहना, उसके बाद फिर सितंबर में मेरे को फिर घर से बाहर जाना ही पड़ेगा जॉब पे। तो कितना जल्दी यार टाइम बीत रहा है, अभी देख रहा हूँ सिर्फ 58 दिन बाद मैं 24 साल का हो जाऊँगा। भाई सब बहुत गंदा ज़िंदगी चल रहा। तो बेसिकली अभी सुबह के 12 बज चुके हैं और मैं तुम बाहर का मौसम दिखाता हूँ क्या मौसम है। ये है हम लोग का तिजोरी, ठीक है मेरे रूम का, जिसको खोलने के लिए सबसे पहले कोने में जाओ। ये खुला कवच नंबर 1, ये खुला कवच नंबर 2, और उसके बाद तुम यहाँ से कूद सकते हो आराम से। तो मैं उठाऊँ 10:30 बजे के आसपास, ज़्यादा बाहर फ़ोन नहीं करूँगा, तब से बारिश हो रहा, तब से एकदम लगातार बारिश पे बारिश होते ही जा रहा। तो मेरे को अंदर रखने के लिए बोला गया था ना, मैं माइंड अब भींग गया तो अब बोलूँगा भूल गया, तब से बारिश हो रहा। ओहो मस्त मौसम है, मैं बिना पंखा का बैठा हुआ देखो रूम में बिना पंखा का, इसके लिए नहीं कि मेरे को वीडियो शूट करना, कि मेरे को लग रहा पंखा का ज़रूरत ही नहीं है। तो अब थोड़ा मोड़ा अपना काम करें, मैं देवघर गया हूँ तब से इसको सरियाया नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही सब चीज़ फेंका रहता हूँ। प्लस ये आजकल मैं एक और फ़ोन रख रहा हूँ अपने पास, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, व्हाट्सअप है, और ये मेरा भाई एक बार गेम खेल रहा था वो है। तो व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप है द सौरभ शो करके, जहाँ पे आके मैं कल ही ये क्रिएट किया हूँ, देख सकते हो 9:14 में, और 209 मेंबर हुए अभी इसमें। तो इसमें बेसिकली जो भी तुम्हारा क्वेश्चन वेश्चन है तुम आके पूछ सकते हो, इसीलिए मैं इस फ़ोन पे ये रखा हुआ। ये मेरा क्या कहते हैं सेकेंडरी फ़ोन बोलते हैं ना, प्राइमरी तो ये फ़ोन है ये जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सेकेंडरी फ़ोन है जिस पर मैं बाकी सब देखता हूँ। जैसे अगर मैं यूट्यूब स्टूडियोज़ में देखूँ तो 2271 है, लास्ट 28 दिन में मैंने 6.2 के व्यूज़ आए हैं, वॉच आवर 212 का है, ये सारे व्यूज़ यहाँ से कमेंट्स पे रिप्लाई, जैसे अब यहाँ पे आया तो यहाँ से मैं कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ, इसके लिए ये मैं फ़ोन रखा हुआ हूँ। ओके सो इट्स ऑलरेडी 1:10 और फाइनली मतलब सुबह से मैं उठा हूँ 10:30 बजे, अब जाके बारिश फाइनली बंद हुआ, मतलब सुबह से बारिश। तो बारिश मुझे अच्छा लगता है, बस इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन बारिश हो और मैं बाहर ना जा पाऊँ। बेसिकली मेरे को आज डेट पे जाना था खुद के साथ, हाँ मैं अकेले जाता हूँ। भुवनेश्वर जब मैं था तो मैं बहुत जगह था अकेले गया हूँ, मैं कैफ़े अकेले जाता था, मूवी देखने अकेले जाता था। एक बार तो कैफ़े में एक वेटर मेरे से पूछ भी लिया कोई आ रहा है, मैं बोला नहीं भाई मैं ही अकेले हूँ। तो थोड़ा पहले एक दो बार अजीब लगता था, उसके बाद होने लगा यार किसको क्या फ़र्क पड़ता है मैं अकेले आऊँ या किसी के साथ आऊँ, सो सिंपल मेरा ये है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात भी इस वीडियो में कर लेते, बकवास तो नहीं करते। तो बहुत क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन लेना है, एक सेकंड मैं फ़ोन लेके आता हूँ, मेरे पास वो फ़ोन नहीं है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो व्हाट्सएप चला रहा था। हाँ तो मैं यहाँ पे ग्रुप आ गया, ग्रुप ओपन मैं देख रहा हूँ, ग्रुप में बहुत लोग को चाहिए दो जॉब डिस्क्रिप्शन लोग मेरे से मांग रहे। तो मैं देखो मैं तुम्हें 100+ जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि अभी इसका कुछ काम वैसा
है नहीं क्या तुम लोग दोस्त जॉब डिस्क्रिप्शन का करोगे, तुम लोग को भी मिलेगा ही। मैं 100+ दे सकता हूँ जितना कंपनी है। ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा था बस इसलिए मेरा ध्यान उधर चला। हाँ तो इसलिए मेरे को लगता है ठीक है अभी उतना जरूर तुम लोग को है नहीं, तुम उसके अलावा जो क्वेश्चन है तुम लोग पूछ सकते हो। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ये ग्रुप, मैं इसका QR होता है ना, लेट मी सी कैसे शेयर किया जाता है यार। ओके हाँ इसका QR भी होता है, तो मैं QR भी यहाँ पे लगा दूंगा, वो स्कैन करके तुम लगा जाना, मेरे चेहरे पे नहीं लगाना था। ओके तो उसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हाँ बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि अभी क्या भैया करूँ, मैं वेब करूँ या ML करूँ। तो देखो मैं बोलूँगा अगर अभी तुम्हारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है तो मैं बोलूँगा अभी तुम स्टार्टिंग वेब डेव से करो, क्योंकि देखो थोड़ा मोड़ा तुम पढ़ ले HTML ये सब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, JavaScript में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये सब करो, React पढ़ो, Node.js बैकेंड के लिए ये सब थोड़ा। मैं पहले बोलूँगा फ्रंट एंड करो। अब मैं इसको पता है अनकट रखूँगा, ये जो मैं फंबल कर रहा हूँ ना उसको मैं ऐसे ही डाल दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ही लोग से ना बात कर रहा हूँ। तो हाँ तो मैं पहले बोलूँगा पहले फ्रंट एंड पे जाओ अगर तुम अभी सेकेंड में हो, उसके बाद फिर तुम ML में आना थर्ड ईयर में जब तुमको अपना माइनर हाँ कितना फंबल करता हूँ साला। हाँ तो जब तुम 6 सेमेस्टर में आओगे तो 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर ये में तुमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो इंटर्नशिप। तो अगर इंटर्नशिप है तो बढ़िया, नहीं तो प्रोजेक्ट उस टाइम पे तुम क्या कर रहे हैं जब तुम्हारा सेकेंड और थर्ड की जब थर्ड ईयर में जाने वाले होगे तो जो ब्रेक होगा ना उसमें तुम ML पे आना और ट्राई करना जो 5th 6th 7th 8 सेमेस्टर जो भी है उसका जो प्रोजेक्ट है वो ML से बना, थोड़ा सा अच्छा लगता। क्योंकि अगर मैं बताता हूँ हम लोग को सर ने क्या बोला था जब हम लोग पहले फ्रंट एंड पे गए थे, मतलब हम लोग वेबसाइट या कुछ एक चैट ऐप बनाना है सोचे थे कि यार बोले थे हम लोग को यार ये तो सब बना देगा, कुछ ऐसा बनाओ यूनिक बनाओ। तो हमने फिर अगले 2 बार से ML पे हम लोग आ गए थे। तो हाँ इसके लिए थोड़ा सा देख लेना। तो मैं बोलूँगा अगर अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है तो पहले तुम फ्रंट एंड पे जाओ, अगर फ्रंट एंड अच्छे से आता तभी ML पे जाना। ओके तो कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि स्किल क्या रिक्वायर्ड है डिलॉइट के लिए, तो देखो जहाँ तक मैं बोलता हूँ ना कि तुम्हें एप्टीट्यूड आना चाहिए और कोडिंग आना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा क्वालिफिकेशन का, मतलब क्वालिफिकेशन यार मतलब टेस्ट तुम्हारा सबसे पहले एप्टीट्यूड होता है और कोडिंग होता है। जहाँ तक मुझे याद है कोडिंग 2 क्वेश्चन रहता है, वो तुम क्वालिफाई करोगे तब तुम्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया जाता है नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद तुम्हारा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए देखो ज़्यादा कुछ मत करो, मैं जहाँ तक मैं बोलता हूँ अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले तो देखो मोस्टली कंपनी तुम्हारे प्रोजेक्ट ही से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि वो लोग तुम्हारा रेज्यूमे ओपन करके रखते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि तुमने क्या किया है। तो मोस्टली कंपनी तुम्हारे रेज्यूमे से ही क्वेश्चन पूछेंगे, और रेज्यूमे से पूछने के लिए क्या ही है तुम्हारे पास, सर्टिफिकेट जो जो किया कि सर्टिफिकेट में क्या है, उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्या, प्रोजेक्ट तुमको A to Z आना चाहिए, तुम्हारे एक एक चीज मतलब कुछ भी वो अंदर से पूछ दे तुमको उसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट तुमने खुद से बनाया या कहीं से कॉपी पेस्ट किया। तो मैं बोलूंगा जितना अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ, एक तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा वो क्या होगा ना कि वो थोड़ा वैल्यू ऐड करेगा अगर तुम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। अब तुम वैसे ही कोई प्रोजेक्ट बना दोगे जैसे वेब में जाके कुछ भी एक बेसिक बना दोगे तो वो फिर बोलेगा यार ये तो बेसिक तुम बना दिए, तो कोई भी बना दिया। कुछ ऐसा सोचो, आइडिया लगाओ, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ कोई ग्राफ न्यूरल नेटवर्क यूज करके, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क से बहुत कम है, तो ये सब थोड़ा सा बताए सोचो और उस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट रखो जिससे इंटरव्यूअर को भी लगे कि हाँ तुमने कुछ किया है। अब वो तो तुमसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा ही, जैसे मेरे रेज्यूमे में वही ग्राफ न्यूरल नेटवर्क था, तो उसने जो भी इंटरव्यू गया था उसने मुझे ग्राफ से क्वेश्चन पूछा था, उसने एक डिजेस्टर एल्गोरिदम आता है तुम लोग ये डिजाइन एंड क्या था DAA डिजाइन एंड एल्गोरिदम एंड एनालिसिस करके एक है सब्जेक्ट, उसमें पढ़ोगे डिजेस्टर एल्गोरिदम, तो मेरे को बोला था उसका कोड लिखने क्योंकि ग्राफ था, तो इस हिसाब से ये सब मेरे से पूछा था। तो जो भी तुम्हारे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट है A to Z 1 to 0 to 9 आना चाहिए तुमको एकदम डिटेल में, कि कोई कभी भी क्वेश्चन पूछ दे तुम तुरंत रिप्लाई दे सको। ओके तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखो जब से भी मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ मेरा हमेशा से यही माइंडसेट है कि मेरे को 8 से 9 मिनट का वीडियो बनाना, लेकिन जो भी वीडियो बनाना वो पॉइंट एकदम पॉइंट पे होना चाहिए। मैं बढ़ा चढ़ा के इसको 20 से 25 मिनट का करके एक्स्ट्रा वॉच टाइम ये सब लेने के लिए मैं कभी नहीं करता हूँ ना मैं कभी करूँगा। मेरे को लगता है कि जो होना चाहिए कि तुम 9 से 10 मिनट में समझ जाओ,
उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या अगर तुम्हारा कोई और भी क्वेश्चन है तुम कमेंट सेक्शन में भी जाके एक बार कमेंट कर सकते हो अगले वीडियो में, या अगर अगला वीडियो तुरंत आने वाला होगा तो उसी वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो अगर अगला वीडियो एक हफ्ते के बाद आने वाला होगा तो फिर या लाइव स्ट्रीम ऐसा होगा ना तो मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।